नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत है ब्रिटिश काल में प्रारंभ की गई नवीन भूधारणाएं की प्रणालियां। भूधारण की प्रणालियां कौन कौन सी थी, कौन कौन सी 1753 से 1793 से लगाकर 1850 तक, 1793 से 1850 तक कौन कौन सी प्रणालियां थी भूधारण की, इस बारे में आज हमें अध्ययन करेंगे। तो ब्रिटिश सत्ता के आगमन से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण यह था कि गांव आत्मनिर्भर इकाई के रूप में काम करते थे, बाहरी अधिकारी के रूप में यदि केवल किसी स्थानीय सामंत या शासक या प्रमुख का ही प्रभाव होता था। ठीक है, भारत ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक गतिविधियों के प्रारंभ होने पर इसे प्रशासन को चलाने एवं उनके यानी अपने प्रदेश का विस्तार करने के लिए आमदनी की आवश्यकता पड़ी। सभी को चलाने के लिए क्या पड़ी, आमदनी की आवश्यकता पड़ी कि सब प्रशासन का सब खर्चा किस प्रकार चले, इसलिए खर्चे की जरूरत पड़ी। कंपनी ने यह आय भू राजस्व के रूप में प्राप्त करने के लिए प्राप्त शेष या भूधारण की विभिन्न पद्धतियों को अपनाना पड़ा। इसके लिए भू यानी खर्चे को चलाने के लिए भू राजस्व के रूप में प्राप्त आय के लिए विभिन्न पद्धतियों को अपनाया या अपनाना पड़ा। आगे चलकर यह कि कंपनी का भारतीय कृषि से संबंधित केवल भू राजस्व वसूल करने के माध्यम से ही अपना लक्ष्य था या अपनी आमदनी को प्राप्त करना था भू राजस्व। ये इनका कंपनी का प्रमुख लक्ष्य था कि भू राजस्व प्राप्त किया जाए और जनता का शोषण किया जाए। पहली कौन सी थी, जमींदारी प्रथा स्टार्ट की, जमींदारी प्रथा का उदय, जमींदारी प्रथा का उदय। सबसे पहले जमींदारी प्रथा का उदय किया कि भारत में जमींदारी प्रथा के अंतर्गत दो तरह के बंदोबस्त पाए गए हैं या देखे गए हैं। पहला स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट और दूसरा अस्थायी बंदोबस्त यानी टेम्परेरी सेटलमेंट। दो प्रकार के क्या है बंदोबस्त थे, एक तो स्थायी और एक है अस्थायी। स्थायी बंदोबस्त स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत क्या था कि इसके अंतर्गत लॉर्ड कार्नवालिस ने 1786 ईस्वी में अपना कार्यभार संभाला। किसने, लॉर्ड कार्नवालिस ने। उसने भू राजस्व वसूल करने के लिए स्थायी बंदोबस्त अपनाने पर बल दिया। वास्तव में इसके लिए इसकी भूमिका जॉन शोर ने तैयार की थी, जॉन शोर ने तैयार की थी इसकी भूमिका। स्थायी बंदोबस्त की ओर अपनाया किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लेकिन कॉर्नवालिस के प्रयत्नों से 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था बंगाल व पड़ोसी क्षेत्रों में लागू की गई। इसके अंतर्गत पहले के कर एकत्र करने वाले व्यक्तियों व राजस्व एकत्र करने वालों को भूमि में निजी संपत्ति के अधिकार देकर
भूस्वामी बना दिया। ये अधिकार उन्हें स्थायी तौर पर दिए गए, उनको मालिक बना दिया गया। इनके बदले में यह आशा की गई कि वे नियमित रूप से राज्य को एक निश्चित धनराशि देते रहेंगे, निश्चित धनराशि देते रहेंगे। उनको स्वामी बना दिया और स्वामी बनाने के बाद ये निश्चित कर दिया गया कि ये धनराशि नियमित रूप से राज्यों को देते रहेंगे, तो उनका आमदनी का स्रोत हो गया परमानेंट। और ऐसा ही के अंतर्गत क्या था, जमींदारी प्रथा को आगरा, मध्य प्रांत, बंगाल व संयुक्त प्रांत के कुछ भागों में अस्थायी बंदोबस्त के रूप में बनाया गया, यानी कुछ भागों में। इसके अंतर्गत माल गुजारी काफी दीर्घ काल तक के लिए निर्धारित की जाती थी, जैसे 30 या 40 वर्ष आदि के लिए, यानी 30 से 40 वर्ष के लिए। और सरकार को यह अधिकार था कि वह निश्चित अवधि के अंतर्गत और निश्चित अवधि के अंत में माल गुजारी को बदल सकती थी, सरकार को यह अधिकार था, बदल सकती थी यह व्यवस्था, और निश्चित अवधि के बाद उसे वृद्धि भी कर सकती थी। यह अस्थायी बंदोबस्त था। ये कहां चलाया गया था, आगरा, मध्य प्रांत, बंगाल, संयुक्त प्रांत, इन क्षेत्रों में चलाया गया था। यह था स्थायी बंदोबस्त और अस्थायी बंदोबस्त, यानी परमानेंट सेटलमेंट और टेम्परेरी सेटलमेंट। दूसरी व्यवस्था थी रेतवाड़ी प्रथा, रेतवाड़ी प्रथा का उदय। इसके अंतर्गत क्या था कि संचालकों की कोटि के ने रेतवाड़ी प्रथा को लागू करने के संबंध में दिसंबर 1812 सन 1812 ईस्वी में लंदन में या लंदन से अपनी स्वीकृति प्रदान की। यह रेतवाड़ी प्रथा लागू करने के लिए संचालकों ने 1812 ईस्वी दिसंबर 1812 ईस्वी रेतवाड़ी प्रथा से राज्य व रेत के बीच प्रत्यक्ष संबंध होता था। यह प्रथा शुरू में मद्रास कि उन भागों में लागू की गई या उन क्षेत्रों में लागू की गई थी जिसमें स्थायी बंदोबस्त की प्रथा नहीं थी, स्थायी बंदोबस्त नहीं था, वहां रेतवाड़ी प्रथा लागू की। बाद में यह मुंबई के अधिकांश भागों में प्रचलित हो गई, अन्य क्षेत्रों में भी यह प्रचलित हो गई। भूधारण की प्रणाली कौन सी, रेतवाड़ी की प्रथा। और तीसरी है महालवाड़ी प्रथा का प्रादुर्भाव, महालवाड़ी प्रथा का प्रादुर्भाव या उदय। ये क्या थी, इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारी प्रथा तथा रेतवाड़ी प्रथा दोनों के उत्तम पहलुओं को मिलाकर महालवाड़ी प्रथा का विकास हुआ। इन दोनों को मिलाकर, इस प्रथा का जो उत्तम गुण थे उनको मिलाकर, इसमें सरकार ने अलग अलग जोतों के स्वामियों को अलग अलग संबंध न रखकर इकट्ठे एक ही व्यक्ति अथवा एक ही समुदाय से संबंध स्थापित किया, जो सबकी तरफ से लगान चुकाने की व्यवस्था करता था। वो इकट्ठा करके लगान है महाल, महाल मतलब गांव, गांव क्षेत्र के आसपास के लोगों का इकट्ठा करके लगान है वो सीधा चुकाता था। ये महालवाड़ी प्रथा, इससे क्या हुआ, इस व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय उद्योगों का पतन, इन व्यवस्था जो ये भूधारण की प्रणाली थी इन्हें और अन्य व्यवस्थाएं जो ब्रिटेन वालों ने की थी उसके अंतर्गत भारतीय उद्योगों का पतन हुआ। इसे कैसे, कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार हो गया। शुरू में कंपनी ने व्यापारियों को काफी धनराशि देकर फैक्ट्रियों से माल खरीदने की व्यवस्था की, ताकि कंपनी का मांग पर एकाधिकार स्थापित हो जाए, कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार हुआ। दूसरी
इससे क्या नुकसान हुआ उद्योगों के लिए, उद्योगों का पतन हुआ, उद्योग की ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति का अपराध कुप्रभाव, यानी औद्योगिक जो क्रांति प्रारंभ हुई उसी ब्रिटेन में उसका कुप्रभाव पड़ा भारतीय अर्थव्यवस्था या भारतीय उद्योगों पर। 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन ने या ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो जाने की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। वहां औद्योगिक पूंजीवाद को पनपने का अवसर मिला, इसके कारण उद्योगों का भारतीय उद्योगों का पतन हुआ। तीसरा अगर हम महत्वपूर्ण पतन के कारण कह सकते हैं तो वो है ब्रिटिश सरकार की भारत विरोधी औद्योगिक व व्यापारिक नीति, औद्योगिक व व्यापारिक भारत विरोधी नीति। सन 1757 से सन 1829 ईस्वी तक के यानी लगभग 75 वर्षों से कम की अवधि में भारत एक औद्योगिक देश की स्थिति से कच्चे माल की पूर्ति करने वाले देश की स्थिति में आ गया। फिर उद्योग के पतन के कारण क्या है, देशी राज दरबार का लोप है। देशी राज दरबारों के समाप्त हो जाने से बंगाल में बने सूती व रेशमी जो माल था, कपड़ा था, तथा उच्च कोटि की दस्तकारी की वस्तुओं की मांग बहुत घट गई। देश में शांति की स्थापना से अस्त व्यस्त होने से निर्माण में लगे हुए उद्योगों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा। इसके अलावा प्रतिकूल विदेशी प्रभाव भी पड़े भारतीय उद्योगों पर, क्योंकि ब्रिटिश शासन की स्थापना से लोगों की रुचि में भी परिवर्तन आ गया, जिससे भारतीय दस्तकारियों की मांग घट गई। तो ये था ब्रिटिश काल में प्रारंभ की गई भूधारण की प्रणालियां और भारतीय उद्योगों के पतन के कारण है। क्यों हुए को तो कितनी प्रणालियां चलाई गई थी भूधारण की, तीन। कौन कौन सी? जमींदारी प्रथा, रेतवाड़ी प्रथा और महलवाड़ी प्रथा, और भारतीय उद्योगों के पतन हुआ। तो आज हमने अध्ययन किया भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश काल में प्रारंभ की गई नवीन भूधारण की प्रणालियां और उद्योगों के पतन का कारण। तो आपने अच्छी तरह सुना इस चैप्टर को, मैं समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।